नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं में तीखे बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने कहा कि एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठते भर से उल्टी होने लगती है। इस पर एनसीपी ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी नहीं बचा है, मगर सियासी दांव पेच शुरू हो गया है। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी में है। महायुति की ओर से सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राजकोट किले का दौरा किया। यह वही जगह है जहां इस हफ्ते छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढह गई। पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र का गर्व और स्वाभिमान बताया। उन्होंने कहा, जल्द ही इसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को इस देश के विकास में सक्रिय योगदान देने से वंचित रखा गया, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी का उदाहरण दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तो मैंने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए थे कि वे अपने राज्य के सुरक्षा बलों में एक तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों से भरे। आज सभी पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मिलाद उन नबी समिति के प्रतिनिधियों ने 19 सितंबर को मिलाद उन नबी जुलूस निकालने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने 16 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिलाद उन नबी व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक की। बता दें कि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश नवरात्रि उत्सव के आयोजन पर भी बैठक में बात की गई। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने मिलाद उन नबी के सदस्यों को जुलूस स्थगित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रधानमंत्री मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह लगभग 1:30 बजे पालघर के सिडको ग्राउंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें वधावन बंदरगाह की आधारशिला प्रमुख है। इस परियोजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है। मालवान के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर इन दिनों में महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दावा किया कि इसे बनाने वाला मूर्तिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी था। इस आरोप पर राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मजाकिया जवाब दिया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था कि कलाकार वास्तव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी थे। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर लोगों के बीच खाई बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति मुर्मू मणिपुर के मामले पर बोलती तो देश में महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं देश में ना होती। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन अगर उन्होंने मणिपुर में जो हुआ उसके बाद बोला होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। सपा और बसपा के प्रमुखों के बीच चले आभार व धन्यवाद ने प्रदेश के सियासी गलियारों में नई अटकलों को हवा दे दी है। इससे सपा बसपा के बीच तल्खी कम होना ही नहीं बल्कि प्रदेश में बनने वाले नए समीकरणों के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा का मानना है कि दोनों दलों के बीच यह नरमी बेवजह नहीं है। दोनों दलों के बीच पनपा यह प्रेम आने वाले समय में भाजपा के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में 160 एजेंडा बिंदुओं पर हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कई विभागों की लापरवाही की पोल खुल गई। सांसद ने कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में मांट विधायक राजेश चौधरी व एमएलसी योगेश नौहवार ने छाता बाजना नौझील एवं मांट रोड को पूर्ण न किए जाने की बात सांसद के समक्ष रखी।
बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है। इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। इसमें वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में दिखाई देंगी। कंगना करीब 18 वर्षों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि उन्हें एक्टर होने से नफरत है मगर निर्देशक बनना पसंद है। युवा तक भारत समाचार।